हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे घर में बहुत ही कॉमन बनने वाली पनीर भुर्जी की रेसिपी। मगर इस रेसिपी की यूनिक बात यह है कि मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करा है जिससे कि आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट और मशी बनेगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए एक पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, और साथ में ही डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इस करके कि बटर हमारा जले नहीं। तो जैसे ही ये बटर एंड ऑयल गर्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा। तो जीरा को हमने थोड़ा सा क्रैकल होने तक ऐसे भुनना है, और जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से गोल्डन, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा और थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, तो अब डाल दूंगी मैं अदरक। अदरक को मैंने बारीक काट के डाला है। आप चाहो, अगर आपको बारीक कटा हुआ अदरक भुर्जी में नहीं पसंद है, तो आप टमाटर की जो हम प्यूरी बनाएंगे ना उसके अंदर भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हो। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दो प्याज, बड़े वाले छोटे कटे हुए, और इनको भी हमने भूनना है। थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है। तो बस इसी पॉइंट तक हमने इनको भूनना है। अब ये भून चुके हैं तो अब इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले डाल दिए मैंने देगी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और एक बहुत ही चटपटा इसको बनाने के लिए चाट मसाला। तो बस इनको हमने ऐसे थोड़ा सा इसके साथ रोस्ट करना है ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएं और बहुत ही अच्छा सुंदर सा कलर आए हमारी पनीर भुर्जी का। तो मसालों को हमने सिर्फ 10-15 सेकंड तक ही भूनना है। उसके बाद डाल दिए मैंने टमाटो प्यूरी, जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा था मिक्सी जार में, और इसको भी हमने थोड़ा सा, जैसे ऑयल हल्का हल्का जब छूटने लगेगा तो हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो साथ में ही अब मैं डाल देती हूँ ग्रीन चिली। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी आप प्लीज़ इसको स्किप कर दो। और इसको भी मैंने छोटा छोटा कट करके ऐसे डाल दिया है। तो जैसे ही इसके अंदर डालूंगी, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, क्योंकि देगी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो जिनको स्पाइसी खाना पसंद है तो वो रेड चिली भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जो आपको पसंद है डाल दो, नहीं पसंद है तो बेशक स्किप कर दो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है पनीर भुर्जी के अंदर। तो जैसे ही ये थोड़ा सा हल्का ऑयल रिलीज़ करने लगेगा तो अब बारी है मटर डालने की। तो मैं इसके अंदर अब मटर डाल रही हूँ। मैं मटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पनीर भुर्जी प्लेन बनाना पसंद है तो आप प्लेन बना लीजिए, मगर मैं जो पनीर भुर्जी बनाती हूँ उसमें ज़रूर मटर डालती हूँ। मटर के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मटर है वो गल जाएँ और इनको हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए। और इसको हम ढकेंगे अगले 5 मिनट तक, क्योंकि मटर तो जल्दी से गल जाते हैं, इनके साथ कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो मटर जो गल चुके हैं इसको मैंने ओपन कर दिया है, तो हल्का सा ऐसे इसको चला के देख लेते हैं। तो बिल्कुल मसाला रेडी है। अब इसके अंदर टाइम आ गया पनीर डालने का। तो ये 250 ग्राम्स पनीर है, बिल्कुल फ्रेश पनीर, और इसको मैंने अच्छे से क्रम्बल कर लिया है, और अच्छे से क्रम्बल करके इसके अंदर डाल दिया है, और ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसको सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे गैस में भूनना है। अब आई हिडन इंग्रेडिएंट की बारी। तो मैंने अब डाल दिया है दूध। तो मैं 1 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध यूज़ करने से एक तो आपका पनीर जो है सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा सा मशी सा होगा, जिसमें कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे हम पनीर बटर मसाला के अंदर मलाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम पनीर भुर्जी के अंदर से जब दूध यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और इसको हम पकाएंगे अगले 5-7 मिनट तक। ज़्यादा पनीर को नहीं पकाना, नहीं तो फिर से हार्ड हो जाएगा। और अब इसके अंदर चला गया है गर्म मसाला और हरा धनिया, और इसको मिक्स कर देना है। तो हमारी पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको लच्छा परांठा, तंदूरी रोटी या घर की प्लेन रोटी के साथ खाइए। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब आपने किचन में पनीर भुर्जी बनाओगे तो इस हिडन इंग्रेडिएंट को ज़रूर यूज़ करना। आपके पनीर की भुर्जी का टेस्ट ही बहुत यूनिक हो जाएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विद मोर अमेजिंग न्यू एंड टेस्टी रेसिपीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।